गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का डेट है 12 नवंबर 2021। आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं वो है लुपिन, क्या इसमें एंटर करें अभी। स्ट्राइड्स फार्मा के ऊपर बात करेंगे, क्या ये राइट टाइम में बाई करने का, और बर्गर किंग क्या ये उड़ने के लिए तैयार है। न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है, तो इन तीनों शेयर्स में अगर आप किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलता है जो आपको शेयर एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करता है। साथ में आप कोई कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मेरे चैनल की यूएसपी यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूं। मेरे चैनल की दूसरी बड़ी यूएसपी यह है कि मैं यहां पे हर फ्राइडे सैटरडे संडेज मंथली प्रीव्यू बनाता हूं। इससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर वो इन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उनको हर महीने इन शेयर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपडेट होते रहते हैं। और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे मंथली प्रीव्यूज के कोई भी 10 वीडियो निकाल के चेक कर सकते हैं। साथ में आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब बात करते हैं आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं, बट उससे पहले आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए जहाँ पिछले महीने इन्हीं तीनों शेयर्स का मैंने मंथली प्रीव्यू किया था। बात करेंगे लुपिन की, लुपिन कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए। लुपिन का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 8 अक्टूबर 2021, जब इसकी क्लोजिंग थी 947 रुपीज़ 30 पैसे। सपोर्ट 1 दिया था 850, सपोर्ट 2 900, सपोर्ट 3 950, रेजिस्टेंस 1 1000, रेजिस्टेंस 2 1050 और रेजिस्टेंस 3 है 1100। लुपिन आज के डेट पर अगर आप देखेंगे 12 नवंबर 2021 इसकी जो क्लोजिंग है 948.25 200 डे EMA के नीचे चल रहा है। सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट 1 850, सपोर्ट 2 900, सपोर्ट 3 950, रेजिस्टेंस 1 1000, रेजिस्टेंस 2 1050 और रेजिस्टेंस 3 है इसका 1100। हाइस्ट अगर आप इसका देख रहे हैं ये 979.90 है और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है वो 878 रुपीज़ है। अब बात करेंगे स्ट्राइड्स फार्मा, अच्छे खासे करेक्शन पे अभी जिस प्राइस पे आपको ये मिल रहा है, बट उससे पहले आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे ज़रूर देखिए जहाँ पे मैंने स्ट्राइड्स फार्मा कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, सारा इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। स्ट्राइड फार्मा का जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 8 अक्टूबर 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 586.75, सपोर्ट 1 दिया था 500 का, सपोर्ट 2 550, सपोर्ट 3 600, रेजिस्टेंस 1 650, रेजिस्टेंस 2 700 और रेजिस्टेंस 3 था 750। स्ट्राइड फार्मा आज के डेट पर अगर आप देखेंगे 12 नवंबर 2021 508.50 पे मिल रहा है आपको, ये भी अभी 200 डे EMA के नीचे है। सपोर्ट 1 450, सपोर्ट 2 500, सपोर्ट 3 550, रेजिस्टेंस 1 600, रेजिस्टेंस 2 650 और रेजिस्टेंस 3 है 700। हाइस्ट अगर आप इसका देखेंगे ये है 608.95 और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है वो 485.00 है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग बर्गर किंग के बारे में, बर्गर किंग कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए। बर्गर किंग का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 8 अक्टूबर 2021, जब इसकी क्लोजिंग थी 160 रुपीज़ 25 पैसे, सपोर्ट 1 दिया था 125, सपोर्ट 2 140, सपोर्ट 3 155, रेजिस्टेंस 1 170, रेजिस्टेंस 2 185 और रेजिस्टेंस 3 था 200। बर्गर किंग आज के डेट पे आपको मिल रहा है यानी कि 12 नवंबर 2021 को इसकी जो क्लोजिंग हुई है 162.60 है, सपोर्ट 1 125, सपोर्ट 2 140, सपोर्ट 3 155, रेजिस्टेंस 1 170, रेजिस्टेंस 2 185 और रेजिस्टेंस 3 है 200। हाईएस्ट अगर आप इसका देखेंगे 171.90 और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है 149.20, जो मैं आपको स्टॉक मार्केट टिप्स में बोलता हूं जो 200 डे EMA पे आए हैं, 200 डे EMA के नीचे हैं, जैसे लुपिन हो गया, स्ट्राइड्स फार्मा हो गया, ये आप अगर ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं किसी को भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन हुई है स्ट्राइड फार्मा और लुपिन पे। और एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि कोई शेयर गिरा है तो सबसे लोएस्ट में उसको बाई करें और जो ऊपर गया है सबसे हाईएस्ट पे इसको ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। उम्मीद करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मैं इतने सारे वीडियोज़ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करेंगे, आप देखो आज क्या हुआ, आज मार्केट निफ्टी की बात करूँ 200 पॉइंट ऊपर गया, कल सेम चीज़ वो नीचे आया था। बट अगर हम लोग बात करेंगे
सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो काफ़ी शेयर्स में आपको अच्छे खासे बेनिफिट हुए, काफ़ी शेयर्स आपके सपोर्ट लेवल से फिर से ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज़ का आप सिर्फ ख्याल रखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है मेरी वीडियोस देखकर आप दिन का 10,000-20,000 नहीं कमा सकते, बट आपके 10 में से 8 ट्रेड पॉजिटिव ज़रूर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर कीजिए जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।